हाय गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अमेज ज्ञान में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर 3 घंटे का होता है, आप उसे 2 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर आप हमारे चैनल अमेज ज्ञान पर नए हैं तो अभी जाइए, नीचे की साइड आपको एक रेड कलर का बटन मिलेगा, उस पर जाके क्लिक कीजिए। और उसके बगल में बेल आइकॉन मिलेगा, उस पर भी जाके क्लिक कीजिए, जिससे आप तक हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको अपना पेपर 2 घंटे में ही क्यों कंप्लीट कर लेना चाहिए, ये आपके लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, ये आपको इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि अगर आप अपना पेपर 2 घंटे में ही कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 1 घंटा रिवाइज करने को अपना पेपर मिल जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पेपर में आपने कितनी मिस्टेक करी हैं, कहीं कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया, कहीं पर आपने कोई वर्ड गलत तो नहीं लिख दिया। आप ये सब चेक कर सकते हैं और अच्छे से चेक करने के बाद आप अपना पेपर एग्जामिनर को दे सकते हैं। तो गाइस, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना पेपर 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करें। आपको अपना पूरा समय यूज़ करना चाहिए जो कि आपको मिला है 3 घंटे, लेकिन 2 घंटे में ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आपको अपना पेपर 2 घंटे में कंप्लीट करने के लिए क्या करना चाहिए, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए गाइस, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपकी लिखने की स्पीड क्या है। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसकी लिखने की स्पीड बहुत कम है, लेकिन आपको आते सारे क्वेश्चन हैं, फिर भी सारे क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए आपकी लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गंदी गंदी हैंडराइटिंग में ही सारा पेपर लिखें, नहीं, आपको टाइम के साथ साथ अपनी हैंडराइटिंग का भी ख्याल रखना होगा। अगर आप टाइम के साथ साथ अपनी हैंडराइटिंग का भी ख्याल रखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि अगर आप हैंडराइटिंग का ख्याल ना रखते हुए टाइम देखते हुए जल्दी जल्दी अपना पेपर कर देते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग ख़राब हो जाएगी और उससे एग्ज़ामिनर को कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आपको अपनी हैंडराइटिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और गाइज, आप ऐसा क्या करें जिससे आप अपनी हैंडराइटिंग का भी ख्याल रख लें, आपकी राइटिंग स्पीड भी ज़्यादा हो और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कंप्लीट कर सकें। तो इसके लिए आपको अपना पेपर पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप लोग जैसे कि जानते हैं, आपको जैसे पेपर मिलता है तो वो फ्रंट से स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन पहले है, 2 मार्क्स का बाद में। लेकिन आपको अपना पेपर पूरी तरह से पलट देना है, जिससे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन पहले स्टार्ट होगा, फिर 5 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का, और फिर 2 मार्क्स का, और फिर 1 मार्क्स का। इस तरह से आपको अपना पेपर करना है। आप अगर 6 मार्क्स से शुरू करते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। और अगर आपका बाय चांस कोई क्वेश्चन छूटता भी है तो वो 1 या 2 मार्क्स का ही होगा, क्योंकि आप बड़े क्वेश्चन ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके होंगे। तो इसलिए इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें अपने एग्ज़ाम में। अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं पाएगा। तो गाइज, अब बात करते हैं कि आप अपनी राइटिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं। इसका एक ही सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है, आप अपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। अगर आप ये ट्रिक को फॉलो करते हैं, अपने पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो इससे आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी राइटिंग स्पीड और हैंडराइटिंग दोनों पे आपका ध्यान होगा। अगर आप पास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग और राइटिंग स्पीड दोनों में फ़र्क दिखाई देगा। आपको पेपर सॉल्व करने के साथ साथ आपको अलार्म भी लगाना पड़ेगा, और अलार्म आपको 2 घंटे का ही लगाना है। आप जब घर पे अपना पेपर सॉल्व करें तो आपको 2 घंटे का अलार्म लगाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए उन 2 घंटे के अंदर आप जो पेपर करेंगे आपकी राइटिंग स्पीड भी अच्छी रहे, हैंडराइटिंग भी अच्छी रहे और आपका सारा पेपर भी हो जाए। आपको ऐसा ही करना है 10 पेपरों के साथ। 10 पेपर लें पास 10 ईयर्स के और उनको सॉल्व कर लीजिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको पेपर का भी आइडिया रहेगा और आपकी एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी हैंडराइटिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। आप अपने अंदर चेंजेस खुद देख सकेंगे। तो इसलिए इन टिप्स को फॉलो कीजिए। अगर आप ये फॉलो करते हैं टिप्स अपने एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम से पहले, तो आप अपना पूरा पेपर 2 घंटे में ही कंप्लीट कर लेंगे।
तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल अमेज ज्ञान को और ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा हमारी हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और बेल आइकन पे दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा जिससे आप तक हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जिनके अभी एग्ज़ाम्स हैं, सबके साथ इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं और आपको वीडियो कैसा लगा आप ये भी बता सकते हैं। आप हमारे चैनल अमेज ज्ञान पर और ऐसी वीडियोस देख सकते हैं। हम मिलेंगे आपको ऐसी किसी एक वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।